फातिमा बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान की है। ऐसे क्यों कह रही हैं ताई अम्मी? आप मेरी माँ जैसी हैं, और औलाद का माँ बाप पर एहसान नहीं होता। नहीं बेटा, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। मुझे तो लग रहा था कि उमेर इस महीने राजी ही नहीं होगा शादी करने के लिए, लेकिन तुमने उससे बात की और वो राजी हो गया। वैसे फातिमा बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि उमेर तुम्हारी बात टालेगा नहीं और वो राजी हो जाएगा निका से शादी करने के लिए। अरे अनिका बेटा, अंदर आओ। हाँ, कुछ काम था क्या बेटा? जी बस वैसे ही। अच्छा बेटा, फातिमा मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवाती हूँ शबाना से कह के। तुम दोनों बैठ के बातें करो। ठीक है मैं। आओ बैठो। कैसे हो अनिका? चाची कहाँ है? उमेर तुम्हारे ही कहने पर शादी के लिए राजी हुआ है ना? और तुमने ही कहा था उसे मुझे फूल देने के लिए, कैसा है या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो अनिका, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम वाकई नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहते? लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम सब समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूं। अनिका, उमेर तुम्हारे ही कहने पर शादी के लिए राजी हुआ है ना? और तुमने ही कहा था उसे मुझे फूल देने के लिए, कैसा है या नहीं? वाकई नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहते?